आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयं आहार्यं चंद्रतारादि तन्नु महा सात्विकं शिवम्। भग्न हुआ सिंहासन पराजित सम्रागन पराधीन भूमि का कन कन कटी हुई गर्दन बोल रही हरदम प्रतिशोध चाहिए प्रतिशोध चाहिए। प्लासी का प्रतिशोध झांसी का प्रतिशोध देशभक्तों को दी गई हर फांसी का प्रतिशोध। प्रतिशोध हमारी दीनता का प्रतिशोध पराधीनता का लेंगे हम प्रतिशोध अपमानित राष्ट्र देवता का। प्रतिशोध चाहिए प्रतिशोध चाहिए प्रतिशोध चाहिए। चूर चूर होगा ब्रिटिश का खत्म होगा अन्यायी राज बस हृदय में क्रोध चाहिए प्रतिशोध चाहिए प्रतिशोध चाहिए। गौरवशाली अतीत के चमकते सूर्य पर जिसमें राम कृष्ण शंकराचार्य आर्यभट्ट वराह मिहिर सुश्रुत और चरक जैसी रश्मियां जगमगा रही थी, अचानक न जाने क्या हुआ कि उसका स्वर्णिम गौरव वैभव और समृद्धि पर उसके चमकते सूर्य पर ग्रहण लगा। इसकी समृद्धि से आकर्षित होकर न जाने कितनी विदेशी जातियों ने अपनी खाली झोली भरने की कोशिश की। शक आए मंगोल आए गुलाम खलजी तुगलक सैयद और लोधी भी आए। मुगलों ने हमारे देश को लूटा बर्बाद किया। अभी इस लंबी गुलामी की नींद टूटी भी ना थी तभी सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत पर राज करना शुरू किया। सन 1757 में प्लासी विजय के पश्चात केवल 90 वर्षों में अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने अधीन तो कर लिया परंतु उसे संभाल कर रखना उतना आसान नहीं था। अंग्रेजों के प्लासी विजय का शताब्दी वर्ष बने ये नीति ने तय कर रखा था। केवल व्यापार करने का बहाना कर भारत में घुसे अंग्रेजों ने छल और बल से एक के बाद एक रजवाड़ों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। डलहौसी ने सतारा जयपुर झांसी उदयपुर नागपुर आदि रजवाड़ों को हड़प लिया। नागपुर में शाही सामान की नीलामी कर दी गई। सरे आम अवध के बेगमों के बदन से आभूषण छीनकर उन्हें जलील किया गया। अनेक राजपुत्रों ने उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया। जब राजाओं की ही ऐसी दयनीय अवस्था हो वहां प्रजा के दुख कौन सुनता। किसान धरती का मालिक नहीं बल्कि अंग्रेजों का गुलाम बन गया। अन्नदाता दाने दाने का मोहताज हो गया। अंग्रेजों के लगाए कर भरने के लिए किसानों को अपने बच्चे तक बेच देने पड़े। हस्तकला उद्योग को जबरदस्त चौपट कर अंग्रेजों ने लाखों लोगों को बेकार बना दिया। ढाका जो भारत का मैनचेस्टर कहलाता था वो उजड़ गया। मुर्शिदाबाद बर्बाद हो गया और सूरत बदसूरत हो गया। साल दर साल भारत और गरीब होता गया और इंग्लैंड और भी अमीर। इस अन्याय के विरुद्ध असंतोष का बारूद फटने को तैयार ही था। बस जरूरत थी एक चिंगारी की और उस चिंगारी की शुरुआत की भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम सेनानी मंगल पांडे ने और इसी से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बिगुल बजा। दिल्ली की सड़कों पर अभी सवेरा उतर ही रहा था। दिल्ली की हलचल अभी शुरू भी नहीं हुई थी तभी नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे के साथ एक दूसरी चिंगारी अंग्रेजों पर आ गिरी अर्थात उसका नाम था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। चमक उठी सन 1757 में
वो तलवार पुरानी थी। बूंदे ले हर बोलो मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी ओ तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी ओ तो झांसी वाली रानी थी। मेदिनीपुर जिले के भानुमती गांव एक प्रथा ये थी कि परिवार में बच्चे की मौत होने पर अपने आने वाले शिशु को बाहर दे देना बहुत जरूरी था। और वो बालक कोई दूसरा नहीं था, वो था एक छोटा सा बालक खुदीराम बोस। ऐसा कहा जाता है कि खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता का सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी था। खुदीराम बोस के शहीद हो जाने के बाद न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी ने इस देश को बचाने के लिए क्रांति की मशाल हाथ में ले ली। उसमें दादा भाई नवरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे क्रांतिकारी नेता भी शामिल थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये उद्घोषता उस महान स्वतंत्रता सेनानी ने की है जिनका नाम भारत के इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में आज भी दर्ज है। ये कथन था उस महान क्रांतिकारी का जिसे पूरा देश प्यार करता था। इसी प्यार के बदौलत उन्हें लोकमान्य भी कहा गया। हाँ, आपने सही सोचा, उनका नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तिलक भारत के आजादी का एक महान सेनानी काल के पर्दे में छिप गया। सारा देश महाशोक में डूब गया। भारत के इतिहास का तिलक युग समाप्त हुआ। आने वाली पीढ़ी इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता मानकर सदा याद करेंगी। इनकी आत्मा सदा हमारे साथ रहेगी। खून देते हैं वतन के ये नौजवान, जिंदगी देश की समर्थी है। जो वतन पर निसार होते हैं मौत भी उन पर नाज करती है। लेकिन स्वतंत्रता के देवी का रथ अपनी मंथर गति से चलता जा रहा था। लेकिन साइमन कमीशन से इस आंदोलन की गति तेज हो गई और ऐसे आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे लाल बाल पाल इस तिकड़ी में से लाला लजपत राय। बाहरी आग बुझाना आसान है, लेकिन दिलों में दहकती स्वतंत्रता की मशाल कहां बुझ पाई। गरम दल नवयुवकों का जोश बढ़ता ही जा रहा था और किसी भी कीमत पर दिलों में जलती भारत माँ की बंधनों की गुलामी को गला देना ही उनका एकमात्र ध्येय था। इसी नवयुवकों में बहादुर युवक था चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लजपत राय की मौत का बदला ले लिया। 13 अप्रैल 1919 को जालियनवाला बाग में लाहौर से चलकर पहुंच गया एक 12 साल का मुंडा। खून से लथपथ लाशों को पार करके इस वीर बालक ने सौगंध खाई कि मैं मेरा जीवन इन फिरंगियों से लड़ने के लिए लगा दूंगा। मेरी भारत माँ को गुलामी की बेड़ी से आजाद करूंगा। इस बालक का नाम था वीर भगत सिंह। सबसे कम उम्र में देश के लिए हंसते हंसते सूली पर चढ़े इस महान वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हमारा शत शत प्रणाम। भारत के आजादी के लड़ाई का इतिहास क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान के अनगिनत कारनामों से भरा पड़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, इन क्रांतिकारियों ने आज़ादी के लिए बलिदान दिए। जब जब हमारा देश दास्तां के जंजीरों में बंधा हुआ था, घायल था, जब हमारी इच्छाओं का संचालन विदेशी शासक कर रहे थे और हमारी संपदा हमारी दौलत को लूट लूट कर सात समंदर पार ले जा रहे थे, तब कितनी ही वीर बलिदानियों ने उन विदेशी शक्तियों को, उन अत्याचारियों को ललकारा और अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस नए इतिहास के स्वर्णिम अध्याय का एक नाम है विनायक दामोदर सावरकर, अर्थात वीर सावरकर। जवान लोगों को अपने भाषण से प्रेरित करने के बाद कुछ ही सालों में वीर सावरकर शहीद हो गए।
इस घटना को सुनकर सारा देश शोक में डूब गया। इसी तरह ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की सत्ता संचालित होने लगी। 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक थे स्कॉटलैंड के रहने वाले ए ओ ह्यूम और कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बैनर्जी। लेकिन देश को इंतजार था एक ऐसे नेता का जो देशवासियों को अंग्रेजों के गुलामी से बगैर बंदूक उठाए आज़ादी दिला सके, जिसका धर्म सत्य हो, जिसका हथियार अहिंसा हो, जो कर्म से महात्मा हो। और ऐसे ही महापुरुष का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अहिंसा का हथियार लेकर गांधी जी ने देश को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए मदद तो की, लेकिन उनके विचारों से असंतुष्ट होकर नथुराम गोडसे ने उन पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। हे राम। इसी तरह कई वीर पुत्रों ने देश के खातिर अपने प्राणों के बलिदान दिए, उसमें बिपिन चंद्र पाल, एनी बेजेंट और भिकाजी रुस्तम कामा, इनका भी नाम शामिल है। इधर फिर से फिजाओं में चलो दिल्ली का नारा गूंज उठा। अवसर था आजाद हिंद फौज की गूंज का, जिसका नेतृत्व कर रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इस तरह लाखों लोगों के बलिदान के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, और जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, और फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बना दिया गया। इसके बाद ऐलान किया गया कि देश का बंटवारा होगा। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को हिंदुस्तान को काटकर पाकिस्तान बना दिया गया, और इस बंटवारे ने कत्लेआम हुआ और लाखों लोगों की जान चली गई। 1 लाख महिलाओं पर बलात्कार हुआ, करोड़ों रुपयों की लूटपाट हुई, और इसी भयानक ज्वालामुखी के साथ वो ऐतिहासिक दिन आ गया, 15 अगस्त 1947। इसी दिन सुबह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर तिरंगी झंडा फहराकर भारत की आजादी का जश्न मनाया। और इस तरह भारत को आजाद करने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों के बलिदान दिए, उनके बलिदान को हमें सलाम करना ही होगा।